बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान रामगोपाल मिश्रा की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। इसी क्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर रामगोपाल मिश्रा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। भाजपा नेता हरिवंश मिश्रा ने कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है। भगवान मृतक के परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता दे। उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें आर्थिक सहायता एवं परिवार में नौकरी व सारी सरकारी सुविधाएं देने की बात कही है। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों का हाफ एनकाउंटर हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की कार्यवाही से खुश है। श्रद्धांजलि देने वालों में भाजपा जिला महामंत्री पिछड़ा मोर्चा मिथिलेश चौरसिया, पूर्व भाजपा महामंत्री रविशंकर तिवारी, हलधर दुबे, विनय उपाध्याय, अमन तिवारी, चंदन पाही, संतोष गुप्ता, नवीन राय, रिंकू सिंह प्रधान आदि लोग मौजूद रहे। हरिवंश मिश्रा जिला उपाध्यक्ष भाजपा, जो बहराइच में दुर्घटना हुई है, गोपाल मिश्र जी की, आज हम लोग ने ही पूरा देश हमारा माहत है और उसी के तहत आज आजमगढ़ में हम सब लोगों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर उनको श्रद्धांजलि दी है और सरकार ने जिस हिसाब से कार्रवाई करने का काम कर रही है, हम लोगों का तो ये भी मांग है कि तत्काल ऐसे अपराधियों का बुलडोजर चला करके घर को ध्वस्त किया जाए ताकि कोई आतंकवादी दूसरा गोपाल को न बना सके। इसी के तहत हम लोगों ने आज विनम्र श्रद्धांजलि देकर भगवान प्रभु से प्रार्थना किया है कि भगवान उनके अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों को सहन शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें। बस इसी के तहत आज हम सब लोगों ने यहाँ पर रिक्शा स्टैंड आजमगढ़ में श्रद्धांजलि अर्पित की है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।